हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भाजपा नेता सुशील मोदी ने दिया आर्थिक मंदी पर बेतुका बयान। खबरों में बने रहते हैं बिहार सरकार में वित्त मंत्री सुशील मोदी, बोले आर्थिक मंदी तो सामान भादों में हर साल आती ही है। मोदी ने ट्वीट के जरिए कही बात तो हो रही हर तरफ निंदा। मोदी ने कहा बिहार में मंदी का असर नहीं, वाहनों की बिक्री नहीं घटी। लगता है गंभीर विषयों और घटनाओं पर भाजपा के नेताओं बल्कि वरिष्ठ नेताओं को विवादित बयान देना जरूरी हो गया है। गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में जब बच्चों की मौत हुई थी तो तब भी यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा था कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। ऐसे ही बयान दिया है बिहार सरकार में वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने। उन्होंने देश में आर्थिक मंदी को लेकर विवादित बयान दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि यूं तो हर साल सावन भादो के महीने में मंदी होती ही है, लेकिन इस बार उनके अनुसार इसका शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि चुनावी पराजय की खीज उतर सके। अब इसे बेतुका बयान नहीं तो फिर क्या कहा जाए। अपने ट्वीट में मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 32 सूत्री राहत पैकेज की घोषणा की है और 10 छोटे बैंकों के विलय की पहल से लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने जैसे चौतरफा प्रयास किए हैं, लेकिन इसका असर अगली तिमाही में महसूस किया जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि यूं तो हर साल सावन भादो के महीने में मंदी होती ही है, लेकिन इस बार उनके अनुसार इसका शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि चुनावी पराजय की खींच उतर सके। अब इसे बेतुका बयान नहीं तो फिर क्या कहा जाए। अपने ट्वीट में मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 32 सूत्री राहत पैकेज की घोषणा की और 10 छोटे बैंकों के विलय की पहल से लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने जैसे चौतरफा उपाय किए हैं, लेकिन इसका असर अगली तिमाही में महसूस किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे तो हर साल सावन भादो में मंदी रहती है, लेकिन इस बार मंदी का ज्यादा शोर मचाकर कुछ लोग चुनावी पराजय की खीज उतार रहे हैं। बिहार में मंदी का खास असर नहीं है, इसलिए वाहनों की बिक्री नहीं घटी। केंद्र सरकार जल्दी ही तीसरा पैकेज की घोषणा करने वाली है। भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर हर स्तर पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक मंदी की वजह से कई लाख नौकरियां चली गई हैं और कारोबार जगत में चिंता की लहर आई हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि आर्थिक मंदी नौकरियां जाने का कारण बन रही है। लेकिन सरकारी स्तर पर आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसको लेकर मंथन कर रहे हैं, साथ ही अपने सुझाव भी सरकार को दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में सत्तारूढ़ दल के नेता और बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रखने वाले सुशील मोदी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। आर्थिक मंदी को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार से सवाल पूछ रहा है, अब वित्त मंत्री को सारे सवालों के साथ सुशील मोदी के बयान का भी जवाब देना पड़ेगा। जाहिर है विपक्ष इस बात को लेकर सुशील मोदी और भाजपा को घेरेगा ही। वहीं बिहार में सीएम नीतीश को भी इस पर जवाब देना होगा। अगर विपक्ष की बात ना भी करें तो भी इसे बेतुका बयान के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। सुशील मोदी को याद होना चाहिए कि अभी हाल ही में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में सिद्धार्थनाथ से स्वास्थ्य मंत्रालय छीन लिया गया था, जिसकी एक वजह उनके गोरखपुर में बच्चों की मौत पर दिए गए बयान को भी माना गया था। अब देखना यह है कि आर्थिक मंदी को लेकर बेतुका बयान देने वाले सुशील मोदी पर भाजपा क्या कार्रवाई करती है।